जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं यूएई अब अमेरिका के प्रेशर के कारण चीन को जो सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने को लेकर अपने देश में प्लेस दिया था उसे वो रिजेक्ट कर दिया है कि आप वहां पर पोर्ट नहीं बना पाओगे। अब आपके मन में बड़ा सवाल होगा यूएई क्यों सीक्रेटली मतलब यूएई के अंदर चीन को मिलिट्री बेस बनाने को लेकर परमिशन दिया था, यूएई को इससे क्या फ़ायदा होता। अब अमेरिका क्यों आप प्रेशर डाल रहा है यूएई चाइना के साथ संबंध ना बढ़ाए। इसके साथ साथ अमेरिका और भी बहुत सारे मतलब धमकी दिया है यूएई को अगर यूएई हालांकि अब तो यूएई वो प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है लेकिन अगर यूएई वो प्रोजेक्ट को बंद नहीं करता तो आने वाले टाइम में काफ़ी मुश्किल में यूएई पड़ सकता था। इसके साथ साथ यूएई जब दूसरे क्वाड में शामिल है जहां पर भारत इजराइल और अमेरिका शामिल है तो फिर चीन के साथ संबंध बढ़ाना मतलब अमेरिका को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। दोस्तों ये सारे टॉपिक पर मैं बात करूंगा और जानेंगे अगर उस एरिया में चाइना का नाभाल बेस बन जाता तो ये अमेरिका समेत पश्चिमी देश या फिर भारत के लिए कितना खतरनाक होता। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों यूएई का चीन के साथ जाने के पीछे भी वजह था, अब अमेरिका यूएई के ऊपर दबाव डालकर चीन के सीक्रेट मिलिट्री बेस को बंद करने के पीछे भी वजह है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले आप मैप में देखिए ये जो सारा मिलिट्री बेस वगैरह बन रहा था वो कहाँ है। हालांकि दोस्तों ये मैप तो क्लियर नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए इससे अच्छा मैप मुझे नहीं मिला। आप देख पा रहे होंगे ये रहा यूएई और यूएई के पास से आप देख सकते हो ओमान और ये कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इराक वगैरह रहा और ये इसके अपोजिट में ईरान है और सीरिया भी ऊपर आपको मिल जाएगा। दोस्तों जो इसी जो ये आप रीजन जितना देख रहे हो ये ट्रेड मतलब ऑयल और गैस के ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। आप कह सकते हो दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल एक तरीके से इसी रीजन पे मिलता है, मिडिल ईस्ट के बारे में तो आप जानते हैं। और आप देख पा रहे होंगे समंदर से मतलब इंडियन ओशन में खुले एरिया तक आने के लिए आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इधर पड़ता है और ये काफ़ी बिजी सी रूट है। अब इसी सी रूट के पास ही चीन अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा था यूएई के अंदर और वो जिस एरिया पे बना रहा था वो अबू धाबी से कुछ किलोमीटर 50-60 किलोमीटर दूर था। इसके साथ साथ अगर आप चाइना के प्लान को देखोगे पिछले 10 साल में चाइना क्या कर रहा है, जितना भी इंपॉर्टेंट सी रूट है उस एरिया में अपना मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। डिटो वो अमेरिका और ब्रिटेन के प्लान को कॉपी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट सी रूट है हर एरिया में अमेरिका का, अमेरिकन नेवी का, अमेरिकन आर्मी एयरफोर्स का प्रेजेंस है। तो चाइना को अगर सुपर पावर बनना है तो वो सेम रूल को फॉलो करेगा। ये रहा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अगर यूएई अभी मिलिट्री बेस ना भी दे तो ईरान में तो चीन ऑलरेडी बना रहा होगा क्योंकि उनके बीच 20 साल का सीक्रेट डील हो चुका है। इसके साथ आप जिबूती में तो जानते हैं चाइना का बेस है, इसके साथ इजराइल के अंदर ही हाइफा पोर्ट में चाइना का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मैं आगे आपको बात करूंगा क्योंकि स्वेज कनाल इस एरिया में आ जाता है तो स्वेज कैनाल से 100-200 किलोमीटर दूर ही इजराइल में ही चाइना का प्रेजेंस है और इस एरिया में अमेरिका का 6th फ्लीट का प्रेजेंस है। और अब यूएई को लेकर अमेरिका इसलिए नाराज था क्योंकि अगर यहाँ पर अमेरिका का मिलिट्री बेस हो जाता चीन का मिलिट्री बेस हो जाता तो इस एरिया में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता दोनों साइड से ही, ईरान से पहले से ही है और इसी ये वाला पार्ट में भी अगर बढ़ जाता तो ये अमेरिका के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसके साथ साथ ओमान में भी हमारा इंडियन नेवी का भी प्रेजेंस है तो चाइना या अगर इस पर मतलब यूएई पर बेस वगैरह बनाकर अपनी शिप्स वगैरह खड़ा करता तो हमारे लिए भी ये अच्छा न्यूज़ नहीं होता क्योंकि अगर कभी जंग हुआ तो चाइना यहाँ से दबाव डालकर हमारा ऑयल टैंकर वगैरह या फिर गैस जहाँ जो आ रहा है मिडिल ईस्ट से उसे भी रोक कर वो हम पर प्रेशर डाल सकता था। इसके साथ साथ अब आपके मन में सवाल होगा यूएई अब जहाँ वो दूसरे क्वाड में शामिल है या फिर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के साथ उनका संबंध अच्छा है तो फिर चीन के साथ ये सीक्रेटली अपना संबंध को क्यों बढ़ा रहे थे। हालांकि यूएई ने अभी तक तो कंफर्म नहीं किया है, यूएई ने कहा है कि नहीं नहीं वो एक नॉर्मल सा पोर्ट था और कोई मतलब अभी तक चीन के साथ यूएई का मिलिट्री बेस बनाने को लेकर कोई डील ही नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका ने साफ कहा है, अमेरिका का जो सैटेलाइट है उन्होंने कैप्चर किए हैं उस फोटो के हिसाब से जो मतलब न्यूज़ आ रहा है उस हिसाब से चीन सीक्रेटली मिलिट्री बेस बना रहा है। और ये न्यूज़ दोस्तों ये न्यूज़ सही भी हो सकता है जो अमेरिका आरोप लगा रहा है क्योंकि आप सब जानते हैं ताजिकिस्तान में भी चीन सीक्रेटली मिलिट्री बेस बना रहा था और इस चीज़ का खुलासा अब हो रहा है तो यूएई में भी सेम चीज़ चीन कर सकता है। हालांकि अगर आप यूएई को देखोगे तो जरूर वो अमेरिका के साथ है लेकिन आप सब जानते हैं अमेरिका अगर कोई किसी देश का दोस्त है तो उस देश को दुश्मन की भी जरूरत नहीं होती। आप एक तरीके से कह सकते हो यूएई शायद भारत वाला प्लान अप्लाई करना चाहता था, मतलब जैसे भारत
रसिया और अमेरिका को बैलेंस करके चल रहा है और दोनों देशों के साथ भी संबंध अच्छा है, इसी वजह से शायद यूएई भी सेम टाइप का करना चाहता था लेकिन वो हो नहीं पाया। और क्वाड में जरूर अब यूएई शामिल है, इसके साथ साथ इजराइल, भारत और अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका का अब मिडिल ईस्ट में जितना इंटरेस्ट पहले था अब उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका खुद अपना देश में ही ज़्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो उस हिसाब से अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना नहीं पड़ता है। हालांकि यूएई में दुबई तो मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो उसका इकोनॉमी ऑयल से नहीं चलता है, लेकिन बाकी जो अबूधाबी वगैरह है उनका इकोनॉमी ऑयल से चलता है। इसके साथ साथ अब अमेरिका यूएई को F-35 वगैरह देने के लिए तो वादा तो किया है, लेकिन अभी तक ये डील को लेकर कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इजराइल हालांकि वो अभी यूएई के साथ अपना संबंध को मजबूत कर रहा है और क्वाड में शामिल है, लेकिन एक तरीके से अब इजराइल लॉबी कर रहा है यूएई को जो F-35 मिल रहा है वो ज़्यादा पावरफुल ना मिले, क्योंकि आगे जाकर अगर कभी यूएई और इजराइल के संबंध फिर से खराब हो गया तो फिर यूएई का F-35 मतलब इजराइल के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। इसके साथ साथ ड्रोन भी खरीदना चाहता था अमेरिका से यूएई, वो डील भी अभी तक अमेरिका क्लियर नहीं किया है, इसी वजह से यूएई एक ऑप्शन रखना चाहता था ताकि उस रीजन में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, कोई चेक बैलेंस होना चाहिए, इसलिए ये चीन के साथ संबंध को सीक्रेटली मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री यूएई के साथ अपना संबंध को मजबूत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ भारत के ऊपर भी दबाव आएगा अगर यूएई जाकर चीन के साथ संबंध करता है या फिर चीन को एक सीक्रेट मिलिट्री बेस देता है। हालांकि मैं समझ नहीं पाता हूँ जितनी भी OIC कंट्री है या फिर मुस्लिम कंट्री है, ये तो कश्मीर और पैलेस्टीन को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, लेकिन चाइना सिंजियांग में क्या कर रहा है ये लोगों को नहीं दिख रहा है, और ये लोग जाकर चाइना की पैर पड़ रहे हैं आप एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि अब जितने भी मुस्लिम कंट्री है उन लोगों का हिम्मत नहीं है वो चीन को क्रिटिसाइज करें। अब प्रेजेंट टाइम में चीन मुस्लिम देशों के ऊपर या फिर मुस्लिमों के ऊपर जितना अत्याचार कर रहा है उस हिसाब से कोई भी देश ऐसा नहीं कर रहा है, फिर भी ईरान से लेकर पाकिस्तान जितने भी स्थान कंट्री है, इसके साथ यूएई, सऊदी अरब, जो भी आप बड़े बड़े कंट्री ले लो उनका मतलब चीन को उस हिसाब से विरोध नहीं कर पा रहे। अब टर्की ही ले लो, एक तरीके से कह सकते हो सिंजियांग एक तरीके से दूसरा टर्की है, क्योंकि उसका ओरिजिनल नाम टर्कमेनिस्तान है, फिर भी टर्की चुप है और वो चीन के साथ अपना संबंध मजबूत कर रहा है। छोड़िए, अब यूएई सही टाइम में सही फैसला लिया है, चीन की जो सीक्रेट मिलिट्री बेस बन रहा था उसे बंद करके, जो एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि अगर ये दूसरे क्वाड में आ रहे हैं और इजराइल और अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी में मदद लेना चाहते हैं और भारत से वो ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो चीन के साथ संबंध को पीछे छोड़ना होगा, नहीं तो ये जो संबंध बन रहा है और मिडिल ईस्ट में एक नया समीकरण बन रहा है वो नहीं बन पाता। अब देखना होगा यूएई अपने फैसले में कितनी देर तक कायम रहता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।